ये उन्होंने बकरा वगैरह काट रहे थे, फिर मैंने छोटी सी वीडियो बना ली। और यहाँ से अब यहाँ पे ये आप देखें थोड़ी देर, फिर आपको आगे जाके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये बकरा काट रहे थे, मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ। ये अंकल ने कहा वहाँ पे बेटा जाओ, वहाँ पे टूवेल है, वहाँ मैं और मेरा कज़न था, उसका नाम था जैन, उसके साथ मैं जा रहा था। यहाँ पे हम टूवेल वाली साइड पे जा रहे थे। इधर होती है पता नहीं एक चीज़ होती है कांटे, उसका नाम है पता नहीं मोहब्बत बूटी, मोहब्बत बूटी वो मेरे पाँव पे लग गई थी। फिर वो मैंने इतनी मुश्किल से निकाले, फिर मैं जा रहा था। वहाँ पे शोर था ना, इसलिए मैंने वो वाली आवाज़ ख़त्म कर दी थी सारी। और ये अब अपनी रिकॉर्ड फिर से कर रहा हूँ आवाज़। इस ये जो ज़मीन है ना जिसमें अभी मैं जा रहा हूँ, इसमें मोहब्बत बूटी मुझे लगी थी। फिर जाकर मैंने चारपाई पे बैठ कर फिर मैंने उतारी। आपको दिखाते हैं, ये स्टैंड में ले रहा हूँ, ये सारे मेरे दोस्त थे उधर के। मैं स्टैंड मैंने ऑर्डर किया, मैं वो आ जाए फिर मैं स्टैंड पे वीडियो बनाऊंगा, उस पर सही बनती है। ये ऐसे कैमरा जैसे आप देख लें, कैमरा ज़्यादा हिलता ही रहता है। ये इनका टूल, एक है बिजली पर और एक बिजली पर है और एक ट्रैक्टर में है। ये देखें कितना बड़ा कुआं था। मैंने कहा इधर कोई बच्चा गए, ये देखें पानी जा रहा था। और यहाँ पर वो होती हैं खाडा, हम तो खाडा कहते हैं, ये खाडा है। और ये है इसका नाम मुझे भूल गया, इसका नाम होता है ये। फिर मैं वापस जा रहा था, फिर मैंने रिकॉर्ड की थोड़ी सी। और यहाँ पे बकरा तैयार हो रहा था, वो बकरा तैयार अभी हो रहा था, फिर मैं चला गया था उधर टूवेल पे। अब देखते हैं किधर तक पहुंचा बकरा। इधर सारा रेतला इलाका था। ये है झंग झंग, इधर आगे जाके इनका घर आता है। बड़े अच्छे अंकल थे। ये आने वाला हूँ, 1 2 3 और गो। ये सारे मेरे दोस्त बैठे थे, अंकल भी थे। ये इतना तैयार हो गया था बकरा, आधे से ज़्यादा। ये ब्लू शलवार कमीज वाला जो था ना, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। और यहाँ पे इनका ये मस्जिद भी है, माशाल्लाह इन मस्जिद भी इनकी बड़ी अच्छी थी। और घर के साथ ही थी, घर के अंदर ही थी। इनका डेरा भी था, हम डेरे के अंदर रहते थे। ये इनके वॉशरूम थे मस्जिद के। ये स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, तो स्कूल में ऐसे होता था ना। ये सामने अंकल आ रहे थे, कहते ये जो ब्राउन शलवार कमीज वाले हैं, कहते ये क्या कर रहे हो बेटा। मैंने कहा अंकल ये मेरा है यूट्यूब चैनल। अंकल कहता मेरी वीडियो बना लेना। मैंने कहा ठीक है। अंकल कहता मेरी वीडियो ना बनाना, मुझे शर्म आती है। मैंने फिर कैमरा नीचे कर लिया। ये सामने जो गिला नजर आ रहा है, इसमें हम अपनी शहजादी खिलाते थे स्वीक। वो मामू लेके गए थे शिकार पर, शिकार करने गए थे तित्तर वगैरह का। मैं भी साथ गया था वैसे, लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं, वो वीडियो नहीं की। ये उनका साथ वाला था, ये जैज और टेरिनोर का कट्ठा कट्ठा ही वो टावर था। और ये हमारा कमरा है, ये वाला जिसमें मैं अभी जा रहा हूँ, ये वाला कमरा था, इसमें हम एंटर होते थे। ये कमरा था और ये हमारे मोबाइल चार्जर रहते, और ये हमारा एसी, ये हमारी एलसीडी।
ये अब उन्होंने मसाला वगैरह लगा रहे थे बकरे को, फिर मैंने कहा ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका हम कर रहे थे, देखें आप अंकल कितनी होशियारी से काम कर रहे हैं। ये फिर हम बाहर आ गए, हमने कहा जब तक बकरा तैयार हो जाए, जब तक हम बकरा तैयार हो रहे थे तब मेरा जैन और मैं बाहर आ गए। यहाँ पे हम तो टिब्बा बुलाते हैं, तुम क्या बुलाते हो बताओ? हम टिब्बे पे जा रहे थे, अब ये जैन और मैं टिब्बे पे जा रहे थे, सारी रेती रेती। या मानदार पाँव, ये देखें पाँव के निशान कितने हैं, इतनी नरम रेती। हम पाँव रखते थे, हमारे पाँव अंदर ही चले जाते थे। आज भी लोग बड़ा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा बस मैं अब टिब्बे पे चढ़ के दिखा, बस नहीं, इधर फिर हमने शाम के टाइम ट्रैक्टर वगैरह चलाया, मज़ा आया है। मुझे तो दुबई वाली फीलिंग आ रही थी। ये देखे ट्रैक्टरों के निशान थे, ये आपका वो क्या चबलिया मार रहा है थरकी यूट्यूबर, चबलिया मार रहा हूँ ना, सच में बताए आप, मैं चबलिया मार रहा हूँ ना। ये वहां पे और ना मैं भाई, ये ट्रैक्टर चल रहे हैं, ये मिट्टी उधर से इधर आ रही है। बोल बेच, वो मैं बाद में बोलूंगा, ये वाला साफ काट दो। यहाँ से मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, ये हम पूछ रहे थे कि इधर हवा की कौन सा आवाज आपका मोबाइल कौन सा है, और वो कह रहा था कि मैंने ये चलाया, वो जो ब्लेड होती है ट्रैक्टर वाली ब्लेड वो चलाई, कहता मेरी वो वीडियो बनाई, वो मैंने गलती से उसकी बनाई नहीं। अच्छा छोड़ो, अब ये हम ट्रैक्टर चलाते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं।
मैंने कहा अंकल कैमरा चल रहा, बाय बाय करें। हमने कहा अंकल ने यहाँ पे कहा बैठना, हमने कहा अंकल ने बैठना है। फिर यहाँ पे मेरा कज़न बड़ा डर रहा था, फिर अंकल ने उतार के उसको, मैं फिर झूठे खाता रह गया। वही देख रहे हैं ये आगे वाली बुलेट चला रहे थे हम, रेतला इलाके ना टायर फिसलते हैं। फिर यहाँ पे हमने उसको जैन को उतार दिया, ये जो मेरा कज़न है बड़ा डर रहा था। ये दो ट्रैक्टर थे, ये एक पीछे वाली प्लेट चल रही थी, एक आगे वाली प्लेट चल रही थी। यहाँ पे ये अंकल बड़े अच्छे थे, इन्होंने हमें बहुत ये देखे ड्राइवर कहता डर लगता है, अंकल ने फिर उतारा इसको। ये भाई भी अच्छे थे, उमर, इसका उमर नदीम, इसको फिर हमने यहाँ पे एक और करके फिर हमने इसको उतार दिया। बड़ा डर रहा था ये, यहाँ पे मैंने इसको उतारा, अंकल ने हाथ पकड़े दोनों, फिर भाग गया, भागने वाली की इसने, फिर चला गया। फिर घर के मुझे देख रहा था। ये मैंने अंकल को कहा था कि अंकल जब जाए तो आप मुझे बताना, मैं आऊँगा, व्लॉग बनाऊँगा। अंकल ने कहा ठीक है। ये अंकल ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था, आप आगे आके देखें ये क्या बन रहा है। इसको कहते हैं दम पुक सिजी।
इसको हम कहते हैं दम पुक्सिजी। ये हम दम पुक्सिजी बना रहे थे, ये सारे मेरे दोस्त वगैरह खड़े हुए थे, भाई वो कह रहे थे, वो भी सारे देख रहे थे, ये चेक करें कैसा बन रहा है। बड़ा मज़े का था। ये अंकल डर रहे थे कि हमारा हाथ ना चल जाए, फिर एंड टाइम पे अंकल ने रख ही दिया बड़ी मुश्किल से। वो देखें अंकल बड़ा डर रहा था, ए रख दिया। चेक करें अंकल, भाई चेक करो, बड़े मज़ेदार था। ये ड्रम के अंदर आप खद्दा गरा कूटते हैं, उसके अंदर फिर ड्रम डाल के फिर पतीला कोले रख कर फिर उसके अंदर पतीला रख कर चावल, नीचे चावल हैं सारे। ये देखें जब बनता है फिर देखें ना आप, चस करवाता है चस। देखें चावल भी बड़े मज़ेदार थे, इसके नीचे चावल थे। देखें देखें अंकल ने स्पेशल हमारे लिए बकरा खरीद के रखा हुआ था, अंकल ने कहा जब आएंगे तो फिर काटेंगे। जब हम गए अंकल ने उसी दिन ही कटवा लिया। ये मैं साइड से आके कर गया, मैंने एक भाई था उसको मोबाइल पर करवा के वहाँ पे ना गरम गरम हवाएं आ रही थी। बड़े मज़े का था अंकल, आप देख रहे हैं तो बड़े मज़े का। अंकल बड़ा शुक्रिया आपका। इसके इन सिज्जी बड़े मज़ेदार थे, नीचे वाले चावल जैसे हम चावल कहते हैं, उर्दू में राइस कहते हैं। ये देखें ये ऊपर ये रख लिया। अब देखना आगे देखना, यहाँ पे सेटों से मिट्टी लगाते हैं। अब अंकल मिट्टी बना रहे थे वो साइड पे जाकर, उन्होंने मिट्टी साइडों से लगाई, ऊपर मिट्टी डाली, अच्छी तरह दम डाला। ये देखें ये चेक करें, हमने कहा अंकल खाने में मिट्टी तो नहीं जाएगी, अंकल ने कहा बिल्कुल बेटा टेंशन ही ना लो, अंदर जाने वाला नाम ही नहीं है उसका। देखें ये साइड से धुआं वगैरह सही, पानी लगा हुआ था। देखें कुछ ही देर के अंदर इतना गर्म था ना, कुछ ही देर के अंदर वो सारा ऊपर ऊपर से वो पानी सारा ख़त्म हो गया, एक 5-10 सेकंड में ख़त्म हो गया। ये और मिट्टी लगाई अंकल ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सिर्फ चेक करें,
मेरे अंकल बड़े मेहमान नवाज लोग थे। अंकल एक टाइम में इतना कुछ बना लेते थे, खाते खाते बंदा थक जाता था कि कौन सी चीज खाएं। ये देखें, फिर उसके ऊपर से सारी इसको दफना दिया, सारी ऊपर से सारी मिट्टी। दंपक सिद्धि की कब्र बना दी। ये देखिए फिर जब बन गया, उसके बाद हमने ऐसे फिर इसको ऐसे आराम आराम से सारा निकाला। चेक करें तो उसके बाद हमने सारा पेट में चला गया। वो आपका सॉरी दिखाई भी नहीं मैंने, रात के 9 बजे अपने निकाला। मुझे जबानी टाइम भी याद है, उन्होंने सारों ने अपने मोबाइल की लाइटें चलाई, फिर रोशनी हुई जाकर। अंकल बड़े ख्याल से उठा रहे थे साइड से मिट्टी के अंदर ना जाए। देखिए अंकल कितने प्यार से मिट्टी हटा रहे हैं। ये देखिए अंकल झाड़ू के साथ सारी मिट्टी हटाई। उन्होंने कहा अंदर से जरी सी मिट्टी ना जाए। बड़े ख्याल से मिट्टी हटाई अंकल ने। वैसे खुदा ना खास्ता ऐसे अंदर मिट्टी अंदर सारी चली जाती तो क्या बनता चावलों का, कोई भी ना खाता। अभी मैंने सेल्फी स्टिक नहीं ली, सेल्फी स्टिक ले लूँ उसके बाद फिर मैं मोबाइल स्टिक जैसे कहते हैं वो ले लूँ, उसके बाद कमाल व्लॉग बनेगा। क्योंकि उल्टा सीधा कैमरा करने से फिर ये अंकल कह रहे थे सेट से हटाओ फिर मैं करूँ। अरे जैसे गरम धुआं कैसे निकला। ये देखे कैसा बन गया। मज़ा ही आ गया अच्छा से। अंकल कह रहे थे पता नहीं मुझे याद ही नहीं है अंकल क्या कह रहे थे। इतनी गर्म बोटी थी अंकल आराम आराम से निकाल रहे थे।
अंकल बड़े एहतियात से निकाल रहे थे। सकून सकून से देख लें कितनी मेहनत हो रही है। पहले क्या नाम है, ऐसे वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद सारी आवाज़ें मिटाओ, फिर उसके बाद आवाज़ फिर रिकॉर्ड करो, दो बार ऐसे बताओ, फिर घर आओ, फिर जो आए फिर उसको बताओ क्या खाया था, उन्होंने पूछे तुमने बताओ, हज़ार बार बताना पड़ता है जो खाओ भाई। बड़ा तंग हो गया था मैं, चेक करें आप, जालिम चीज थी, जालिम कसम से जालिम चीज थी, पर इतना खाया नहीं जाता। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, हमें तो नहीं बताओ। चावल मजे के थे भाई, अभी तक याद आ रहे हैं मुझे चावल। पुलाव था, सिज्जी सिज्जी, ये अंकल ने निकाल लिया, इसके बाद ये तकसीम होने लग गया ऐसे बस चखने के लिए। होली वाली होली का मैच हो रहा था, वॉलीबॉल का मैच हो रहा था, वॉलीबॉल सॉरी वॉलीवुड कह रहा था, वॉलीबॉल का मैच हो रहा था। आप में से कौन कौन खेलता है तो बताओ, ये सामने वाली जो टीम है ना यही जीती थी। अरे छत्ते थे ये, इतनी ज़ोर ज़ोर की मारते थे बोलने का, बस भाई छोड़ दो मुझे, इतनी ज़ोर ज़ोर की चपेटे ना मारो, ये लकी। अच्छा अब देखता हूँ कौन जीते हैं, ओए बल्कि ये वाली टीम जीतेगी। अब देखें थोड़ी देर मैच, फिर मैं मैंने थोड़ा सा मैच देखा, मेरे नींद आने लगी। ये हम वापस जा रहे थे लाहौर, लाहौर जाने का प्रोग्राम बन गया और शुरू चले गए, अब आगे का सफ़र शुरू हो गया। अच्छा अब लाहौर पहुंच के बताते हैं। यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवाना था और स्क्रीन साफ करवानी थी, ये हम स्क्रीन और पेट्रोल साफ पेट्रोल डलवाने आए थे। अटक वालों का पंप है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत है, यह है भी मोटरवे के ऊपर ही, ये देखिए स्क्रीन भी गंदी हुई हुई थी, हमने यहाँ से स्क्रीन चेंज करवाई। मेरे सामने एक टैक्सी खड़ी हुई थी, मैं देख के कलर हैरान हो रहा था, यह टैक्सी देख क्या खड़ी है। अंकल बड़ा खूबसूरत था, मैंने इसको कहा जैसी आपके अंकल शक्ल है ना वैसे स्क्रीन साफ कर दें। अंकल कहता ठीक है बेटा, शुक्र अंकल ने कुछ कहा नहीं मुझे। ये देखिए अंकल ने अपनी शक्ल की स्क्रीन चमका दी है ना, फिर ये देखें साफ सुथरा नज़र आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है, अंकल की शक्ल भी साफ साफ नज़र आ रही है। अटक अंकल, इसका नाम अंकल का मैंने नाम रखा है अटक वाला अंकल, या डिजाइन मार के अंकल से पकड़ा था।
अमेजिंग। ओह नो, टैक्सी में से लड़की निकली। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस टैक्सी नहीं है भाई, भाई टैक्सी नहीं है। ये आगे का सफर शुरू हो गया। इतनी आराम आराम से हमारी शहजादी को चला रहे हैं। 125, 20, 20 से 120, 15 ऐसे चला के आ रहे हैं। देखो भाई, इन्हें कुछ समझाओ भाई, क्या करें भाई। ये हम पहुंच रहे थे, है मैंने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं जाने वाला था, पता नहीं कौन सा था। अच्छा चलो देखते हैं आगे। ये आ गया भाई, आ गया। गाड़ी थोड़ी नज़दीक करो थोड़े। ओए लाहौर, पता नहीं कितना किलोमीटर था। ये हम पहुंच गए लाहौर। हमारा पहले घर था बहरिया टाउन में, अब हमने लिया है अलजनाल का। ओए नहीं है, अलजना गार्डन में लिया घर। माशाल्लाह, मोटरवे से उतरो, सामने ही टाउन है। और रहमान गार्डन में भी मेरे कज़न का घर है, अलजना गार्डन में हमारा घर है। जल्दी खोल दो भाई डंडा, उठा लो भाई डंडा। ओ अच्छा, उसके पास कुछ पैसे रहते थे इसलिए। अब इस तरफ गड्डी भाई सीधा जाने दो भाई सीधा। मोटर में से जैसे ही उतरो सामने हमारा टाउन है, गली नंबर 1, हाउस नंबर 31, ब्लॉक का नाम नहीं बताना भाई। बस बूस्ट सुपर मेडिकल स्टोर के साथ वाला टाउन हमारा वाला है, जिसमें हमारा घर है। टाउन हमारा नहीं है, घर हमारा है। ये देखें, इसमें पिज़्ज़ा हट भी है और भी बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ रियाजन रियाजन हाँ रियाजन उस तरफ है। ये देखें अलजना गार्डन, सीधा जाने दो सीधा। यही पहली गली में ही हमारा घर है, अर्जुना गार्डन की पहली गली में। पिज़्ज़ा हट। ये मैं कज़न को ढूंढ रही हूँ। जैसे आपको पता ही है, हम खानपुर से झांग गए थे 2 दिन के लिए। 2 दिन झांग रहे, उसके बाद आपको मैंने बताया नहीं, सॉरी। मैं फिर चला गया था लाहौर, लाहौर में मैं 2 दिन रहा, फिर वापस आए। अब मैं खानपुर आ गया, वो आपको मैंने दिखाया नहीं बीच में लाहौर का सफ़र जब वापस आ रहे थे। और माजरे तो उसकी वजह से। अब हम खानपुर पहुंच गए, अब हम एडिटिंग करके फिर आपको व्लॉग अपलोड करते हैं। ओके थैंक, उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। आप देखें जंग की वीडियो देखें, आपने नहीं देखा तो जंग जाएं। आप बड़ा खूबसूरत शहर शहर है, उधर के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, उन्होंने इतना मज़े का खाना बनाया। हाँ आप झंग से हैं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप बड़े मेहमान नवाज थे आप, बहुत शुक्रिया अंकल आपका।
थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।